यदि आप SBI लाइफ स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद सरेंडर वैल्यू के रूप में आपको कितना पैसा मिलेगा, तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूँ। मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुने ताकि वीडियो देखने के बाद आप आसानी से यह कैलकुलेशन कर सकें कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए कम से कम 2 साल तक हमें प्रीमियम का भुगतान करना होता है। 2 साल तक प्रीमियम का भुगतान करने के बाद हम पॉलिसी को कभी भी सरेंडर कर सकते हैं। यदि पॉलिसी लेते समय सिंगल प्रीमियम का भुगतान किया गया था तो स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को पॉलिसी टर्म के बीच में कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जिसे GSV कहा जाता है, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू, जिसे SSV कहा जाता है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट अधिक होता है वह हमें सरेंडर वैल्यू के रूप में दे दिया जाता है। गारंटीड सरेंडर वैल्यू, जिसे GSV भी कहते हैं, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की जरूरत पड़ती है। यदि हम गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को जितने भी प्रीमियम का हमने भुगतान किया है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू पता चल जाता है, यानी कि गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर को हमारे द्वारा दिए गए कुल प्रीमियम से गुणा करने पर जो भी राशि आता है, जो भी अमाउंट आता है, वह हमारा गारंटीड सरेंडर वैल्यू कहलाता है, जो कि पॉलिसी को सरेंडर करने के बाद सरेंडर वैल्यू के रूप में हमें लौटा दिया जाता है। गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की पूरी जानकारी हमें यहाँ पर टेबल के माध्यम से दी गई है। GSV फैक्टर को समझने के लिए हमें इस टेबल को समझना होगा। यदि पॉलिसी हमने 15 साल का लिया है और पॉलिसी टर्म का 1 साल पूरा होने के बाद हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो हमारा गारंटीड सरेंडर वैल्यू 0% है। उस कंडीशन में हमें 1 भी रुपया सरेंडर वैल्यू के रूप में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन यदि पॉलिसी टर्म का 2 साल पूरा होने के बाद हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो हमारा गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर 30% है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी 2 प्रीमियम हमने भुगतान किया है उसका 30% हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू के रूप में दे दिया जाएगा। और यदि पॉलिसी टर्म का 3 साल पूरा होने के बाद हम पॉलिसी को सरेंडर करते हैं और पॉलिसी टर्म 15 साल का है तो हमारा GSV फैक्टर 35% होता है। उस कंडीशन में 3 प्रीमियम के रूप में हमने जिस राशि का भुगतान किया उसका 35% हमें गारंटीड सरेंडर वैल्यू के रूप में दे दिया जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट कॉलम में हमें 20 साल के पॉलिसी टर्म के और उससे नेक्स्ट कॉलम में 25 साल के पॉलिसी टर्म के गारंटीड सरेंडर वैल्यू के बारे में बताया गया है। यहाँ इस कॉलम में हमें सिंगल प्रीमियम वाले पॉलिसी के गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर के बारे में जानकारी दिया गया है। इस टेबल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस साल आपका GSV फैक्टर कितना होता है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने 20 साल के पॉलिसी टर्म का चुनाव किया और उसने 8 साल तक प्रीमियम का भुगतान किया और हर साल 1-1 लाख रुपए वह प्रीमियम के रूप में देता आया। अब वह पॉलिसी टर्म का 8 साल पूरा होने के बाद अपने पॉलिसी को सरेंडर करना चाहता है तो उसका GSV फैक्टर 53% है, यानी कि 8 लाख का 53% 4,24,000 रुपये गारंटीड सरेंडर वैल्यू के रूप में पॉलिसी होल्डर को दे दिया जाएगा। कुल मिला के एक बार यदि हमने स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को ले लिया और बीच में कभी भी सरेंडर करते हैं तो लॉस के अलावा बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलता।
यहां पर आपको मैंने जो भी जानकारी दी है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए स्मार्ट मनी बैक गोल्ड ब्रोशर के माध्यम से दी है। इस ब्रोशर को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप इस ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूं, जय हिंद जय भारत।